हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने फेस पर जो भी डार्क स्पॉट्स है या फिर अगर कहीं पर डार्क पैचेस है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो इस फेस पैक को इस्तेमाल करके वो सारे डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फेस पैक को आप हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, बस दिन में एक ही बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक आलू, मतलब पोटैटो। आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है मैंने और फिर उसका जो जूस है उसे निकाल लिया है। इसका हाफ मुझे लगा था, पूरा आलू आपको नहीं चाहिए, बस थोड़ा ही चाहिए। एक्चुअली पोटैटो जूस बहुत अच्छा है फेस के पिगमेंटेशन को और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। उसके साथ मैंने थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी ऐड किया है। आपके पास वो नहीं है तो आप कच्ची हल्दी को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा नीम पाउडर और थोड़ा सा बेसन मैंने ऐड किया है, एंड उसके साथ मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड किया है ताकि फेस और भी ब्राइट हो जाए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप दही को स्किप कर सकते हैं। इस पैक को मैं अपने होल हैंड्स पर, नेक पर और फेस पर इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मेन, विमेन, टीनेजर्स, इनफैक्ट आपके बच्चों के फेस पर अगर डार्क पैचेस है या फिर डार्क स्पॉट्स है तो उन पर भी आप इस फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 15 मिनट्स में ही ये सूख जाता है। फिर वॉश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट, फेस पर जो ग्लो है ये उसी फेस पैक की वजह से है। सिर्फ मैंने यहाँ पर लिपस्टिक लगाया है और कुछ भी नहीं है। सो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो एक बार में ही आपको मिलेगा। सो डेफिनेटली ट्राई दिस आउट एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपने इस फेस पैक को ट्राई किया है और आपको अच्छा रिजल्ट मिला है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। किसी पर्टिकुलर फेस प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसे भी नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।